हे एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वाव की एक न्यूली लॉन्च्ड सीरम का। एंड ये जो सीरम है वो है ये है वाव स्किन साइंस का ब्लेमिश केयर फेस सीरम। ये जो फेस सीरम है इसके बारे में तो मैं आपको बात करूँगी ही, इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये वाव स्किन साइंस का है, ये इंडियन ब्रांड है। एंड वाव के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सारे के सारे होते हैं 100% वेगन, क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबेंस फ्री, सिलिकॉन्स फ्री। एंड अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल्स एंड इसमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है कोई आर्टिफिशियल, एंड उसके अलावा इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ नहीं किया गया। सो ये तो हो गई इस ब्रांड के बारे में बात। अब नेक्स्ट टर्न आती है इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने की। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि आपको किसी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कैसे पता लगेगा कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं, तो उसके लिए आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ एक QR कोड मिल जाएगा। आप उससे किसी भी कोड स्कैनर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगेगा। तो चलिए, ये तो मैंने इसके बारे में भी बात बता दी। अब नेक्स्ट टर्न आती है फेस सीरम्स हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। फेस सीरम्स जो यूजली होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ बनाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप लोग फेस क्रीम्स या लोशंस का यूज़ करते हो। तो ये जो फेस सीरम्स होते हैं ना, तो वो आपकी स्किन के अंदर बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड उसके साथ में आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर भी करते हैं। जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न है, लाइक किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वो अगर एक्ने वाला फेस सीरम का यूज़ करेगा तो बहुत ही जल्दी उसके एक्ने रिड्यूस होने लग जाएंगे उस सीरम को यूज़ करके। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी अपने फेस सीरम्स ले सकते हैं, आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी फेस सीरम का यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक अगर मेरे को पोर्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की, तो उसके लिए मैं ये ब्लेमिश केयर फेस सीरम का यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर मैं इस प्रोडक्ट की अगर बात करूँ ना, तो इसका नेम है ब्लेमिश केयर फेस सीरम, बट ये ब्लेमिशेस अकेले नहीं रिड्यूस करता, उसके अलावा और भी चीज़ों में बहुत ही हेल्प करता है, जो है एक्ने की प्रॉब्लम जो आती है, पोर्स को मिनिमाइज़ करने की प्रॉब्लम एंड उसके अलावा स्पॉट रिडक्शन, मतलब अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं तो उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये सीरम। तो चलिए, ये तो मैंने आपको नॉर्मल थोड़ी सी बात बता दी है। अब सबसे मैं बता दूं इसकी क्वांटिटी, प्राइस क्या है इसकी। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो ये है 50 ml की क्वान्टिटी में एंड इसका प्राइस है 499 रुपीज़ विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। एंड अगर इस प्रोडक्ट की ही मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, ये क्लेम करता है कि अगर आपकी फेस के ऊपर कहीं पे भी थोड़ी सी भी पिगमेंटेशन हो रही है या ब्लेमिशेस हैं या कोई भी हल्के से मार्क्स हैं, लाइक डार्क स्पॉट्स या एक्ने के मार्क्स हैं, उन्हें ये रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो ये तो हो गई इसके क्लेम्स की बात। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कौन कौन से ऐसे के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है प्योरीफाइड वाटर, देन है एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, थर्ड इज ग्लिसरीन एंड देन आता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके एक्ने को रिड्यूस करने में। तो सैलिसिलिक एसिड ना एक ऐसा मतलब एसिड होता है, बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी में वो इसके अंदर डाला जाता है, जो कि आपकी स्किन को अंदर से एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है एंड उसके साथ में जो आपके एक्ने होते हैं ना वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो उसके अलावा ये आपके जो पोर्स होते हैं ना उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है कैलामाइन। कैलामाइन जो होता है ना, मतलब अगर आपको कोई भी इरिटेशन है या कोई ईचिंग की प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ भी है ना, उन प्रॉब्लम्स को सूदनेस प्रोवाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इसलिए कैलामाइन तो मतलब सबसे बेस्ट चीज़ मैं मानती हूँ अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर है तो। उसके अलावा जो कैलामाइन होता है ना वो आपकी स्किन को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कैम्फर एसेंशियल ऑयल। एंड ये जो कैम्फर होता है ना, ये भी आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है विलो बार्क एक्सट्रैक्ट। एंड ये जो विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है ये आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। एंड उसके बाद आता है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है इसके बारे में भी मैंने बहुत बार आपको बात बताई है कि लाइक ये आप इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस वजह से ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, लाइक एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी रिड्यूस करने में बहुत ही ईजिली ये हेल्प करता है। लाइक विद इन 1 और 2 डेज आपकी एक्ने की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी अगर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हो तो इसमें ऐसे के बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लाइक प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। लाइक इसमें इतने सारे ऐसे के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करेंगे, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेंगे, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेंगे, एंड उसके साथ में अगर आपके फेस के ऊपर थोड़ी बहुत एक्ने की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ सूटेबल फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। सो अगर इसे यूज़ करने की बात आती है तो इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर आपके फेस के ऊपर स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके फेस के ऊपर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 2 छोटे छोटे से मार्क्स हैं, लाइक छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं उसके एक्ने के या कुछ भी, या थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, तो उस एरिया में आप इसे ऐसे डैब मोशन में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपके पूरे फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको इसे पूरे फेस के ऊपर ही अप्लाई करना चाहिए। मैं भी आपको इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके ही दिखाऊंगी, पर अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका कलर टेक्सचर कैसा है। ये देखो, ये जैसे कि मैंने 1 पंप लिया इसका, तो इसका जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मल जैसे कि सीरम्स होती है ना, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में है। लोशन से क्वाइट रनी फॉर्म में है, बट लोशन की तरह थिक नहीं है। जैसा का लोशन होता है उससे भी थोड़ा रनी सा इसका टेक्सचर है। बहुत ही लाइट वेट है। एंड इसकी अगर फ्रेगरेंस की बात करूँ ना, एग्जैक्ट टी ट्री वाली फ्रेगरेंस है, मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं इसकी फ्रेगरेंस में। एंड इसका कलर तो आपने देख ही लिया, ये वाइट कलर में है, हल्का सा पिंक का इसमें टच आता है इस कलर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि उन्हें मेरे हर वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ईजिली आता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।